देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार। इसमें ऑप्शन दिया है तो 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा करने वाला वह राज्य है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर बी होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। तो लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाने वाली वह राज्य है, पहला इसमें ऑप्शन दिया है राजस्थान, फिर गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो वह राज्य है जो कि लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी वह राज्य है गुजरात। इसका बी राइट आंसर होगा। फिर देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू हुई है। तो इसमें ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने वाला राज्य होगा, इसमें ऑप्शन दिया है गुजरात दिया है, महाराष्ट्र दिया है, उड़ीसा दिया है और मणिपुर दिया है। तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने वाला राज्य होगा उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर उड़ीसा। पांचवा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूरे भारत में सुशासन दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, राजीव गांधी। तो सुशासन दिवस मनाने वाला व्यक्ति का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पूरे भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है, इसकी ही जयंती पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। फिर देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य ने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है सलमान खान, धर्मेंद्र, आमिर खान और गोविंदा। तो इसका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र। सातवां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया है 24 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 20 दिसंबर को और 25 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर होगा 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में SOCHM के नए अध्यक्ष बने हैं। SOCHM के नए अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है, इसमें पहला ऑप्शन दिया है रघुवीर दास, दूसरा गजेंद्र जोशी दिया है, विनीत अग्रवाल दिया है और उर्मिला मेघवाल दिया है। तो SOCHM के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है विनीत अग्रवाल। इसका राइट आंसर विनीत अग्रवाल है। देखो, नवा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया है महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अनंत सिंह, जसवंत सिंह वर्मा, चौधरी चरण सिंह। इसका राइट आंसर चौधरी चरण सिंह। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले फ्रेंड्स। फिर देखते हैं दसवां क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने PM को लेजिन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है जापान, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस। तो मोदी को लेजिन ऑफ मेरिट अवार्ड देने वाला देश है अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। ग्यारहवां क्वेश्चन है, हाल ही में 22 दिसंबर 2020 को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है CV रमन, श्रीनिवास रामानुज, पंडित मदन मोहन, विक्रम साराभाई। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनिवास रामानुज। इसी के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बारहवां क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपनी स्पेस फोर्स को गार्जियन नाम दिया है। तो गार्जियन नाम देने वाला देश है, इसमें ऑप्शन दिया है रूस, चीन, अमेरिका और जापान। तो गार्जियन नाम देने वाला देश है अमेरिका। ठीक है, देखिए तेरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है दूसरा, तीसरा, चौथा और सातवां। तो भारत हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर है तीसरा।
चौथा क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के युवा को यंग चैंपियन ऑफ द ईयर था 2020 का पुरस्कार मिला है? यंग चैंपियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, इसमें ऑप्शन दिया है जयंत राघव, कृष्ण राघव, रविंद्र चोपड़ा, विद्युत मोहन। तो इसमें से राइट आंसर डी होगा, विद्युत मोहन को ही यंग चैंपियन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार मिला है। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें ऑप्शन दिया है 103, 109, 111 और 117वां। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को 111वां स्थान मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमारा 16वां क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मद अमीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाला मोहम्मद अमीर है, यह किस देश के खिलाड़ी है? तो इसमें ऑप्शन दिया है पाकिस्तान दिया है, इंग्लैंड दिया है, भारत दिया है, अफगानिस्तान दिया है। तो मोहम्मद अमीर जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। हमारा 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फीफा मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है लियोनल मेसी, दूसरा ऑप्शन दिया है एडन हेजाल्ड, और तीसरा ऑप्शन दिया है रॉबर्ट लेवांडोस्की, और चौथा ऑप्शन दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसमें से राइट आंसर होगा रॉबर्ट लेवांडोस्की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करने वाला राज्य है, देखो इसमें ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिसने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कौन वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनी है? तो इसमें ऑप्शन दिया है प्रियंका चोपड़ा, काइली जेनर, केरोलिना मरीन, और लास्ट ऑप्शन दिया है जेनिफर लॉरेंस। तो इसमें से राइट आंसर होगा काइली जेनर। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया है 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, 12 दिसंबर को और 16 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स।